हो गया ना। यूपी के जिला बरेली में प्रशासन और पुलिस के अफसर दोनों संप्रदायों की भीड़ को घंटों समझाते रहे, उसके बावजूद जब डीजे पर आपत्तिजनक गाना बजाया तो फोर्स हरकत में आ गया। भीड़ को तीतर बितर करने के लिए आंसू गैस छोड़ी गई और लाठी फटकारी गई। इससे खलबली मच गई, लोग घरों की तरफ भागने लगे। थानों की पुलिस के अलावा RAF और PSA की और बटालियन बुला ली गई है। दरअसल तय होने के बावजूद कांवड़ियों का जत्था मुस्लिम आबादी की भीड़ के बीच से डीजे बजाकर निकालने की जिद पर अड़ा था। इससे टकराव की आशंका बन रही थी। जब अफसरों ने देखा कि समझाने से बात नहीं बन रही है तो वो हरकत में आ गए। द लीडर हिंदी की टीम भी मौके पर है। हमारे प्रतिनिधि अंश माथुर ने जानकारी दी है कि डीजे को पुलिस ने जब्त कर लिया है। सभी को चेता दिया गया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आइए आपको सीधे जोगी नवादा लिए चलते हैं, देखिए वहाँ किस तरह का माहौल है। बारादरी क्षेत्र में बनकंटी नाथ मंदिर पर जाने के लिए कांवड़ियों का एक जुलूस, एक जत्था गैर परंपरागत रूट से निकालने का प्रयास कर रहा था। कल से भी उसको समझाया गया था कि आपका रूट नहीं है, पहले कभी जुलूस नहीं निकला है और जो भी जुलूस आपका जत्था निकला है तो किसी और रूट से निकला है। न तो उनको किसी प्रकार की अनुमति थी और न किसी प्रकार का ऐसा कोई साक्ष्यता, पुराना वीडियो के साथ हम निकलते रहे। उनको बहुत समझाया गया कि आप इधर से न जाएं। ये भी प्रयास किया गया कि शांतिपूर्वक अगर वो जाना चाहते हैं और दूसरे पक्ष में कोई प्रॉब्लम ना हो तो आ गए हैं शांतिपूर्वक, लेकिन ये अडामेंट थे विवाद करने के लिए। आपने देखा होगा कुछ बहुत सारे लोग ऐसे थे जो किसी की बात नहीं सुन रहे थे। शुरू में इनके साथ कुछ नेता थे, इनके लीडर थे, मतलब धार्मिक नेता थे। बाद में ये पूरा लीडरलेस हो गया और ये लोग लगातार बहुत ही हाई वॉल्यूम पर डीजे बजा रहे थे और किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, उल्टे सीधे नारे भी लगा रहे थे। इसलिए बहुत ही हल्का बल प्रयोग करके इनको यहाँ से डिस्पर्स कर दिया गया और भविष्य में यहाँ किसी प्रकार की इशू न बने, हम लोगों ने पर्याप्त पुलिस बल और मजिस्ट्रेट्स की हम तैनाती कर दी। आगे इस तरीके की घटना ना होने पाए, मैं आपके माध्यम से मैं अपील करता हूँ कि श्रावण का एक पवित्र महीना है, लोग अपनी आस्था के अनुसार भगवान शिव का रुद्राभिषेक अवश्य करें, शांति से जाएं, शांति से आएं। कहीं भी साधना के दौरान हिंसा का कोई स्थान नहीं है, किसी प्रकार से गाली गलौज, किसी को परेशान करने की नीयत नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं अपील आपके माध्यम से करूँगा कि लोग शांतिपूर्वक परम्परागत तरीके से परंपरागत रूप से जा कर के ही श्रावण महीने में अपना जलाभिषेक करें। धन्यवाद। कर्फ्यू वगैरह भी लगाएंगे? नहीं, किसी प्रकार का कोई कर्फ्यू नहीं है, आम आदमी मूवमेंट कर रहा है। ये बहुत छोटी सी चीज़ थी जिस पर वो लोग अडामेंट थे। अरेस्टिंग भी हुई कुछ लोगों की? कुछ लोग जो यहाँ खुरापाती ज़्यादा थे उनको पूछताछ करने के लिए बैठाया गया था। सुबह से यहाँ पे समझाया जा रहा था कि गैर परंपरागत है ये जुलूस, इसको ना निकाला जाए क्योंकि आगे जो है वो दूसरे वर्ग की आबादी पड़ती है और एक ईगो का लोगों ने माहौल बना लिया। फिर भी हम लोग आए, समझाते रहे,
और अंत में दूसरे पक्ष से हम लोगों ने सहमति भी बना ली इनके कहने पे। और जब फिर दोबारा बात करने आए तो कुछ खुराफाती लोग उसमें आकर के शामिल हो गए, ऐसी भी आशंका की दो चार लोग उसमें दारू पी के आ गए और फिर ये ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश करने लगे और ये लगा कि इससे शांति भंग हो सकती है और ये गैर परंपरागत तरीके से अगर निकलेगा तो फिर आगे के लिए भी और भी समस्याएं आएंगी। काफ़ी समझाया गया, लगभग 4 घंटे लोग नहीं माने। उसके बाद फिर ये एग्रेसिव होने लगे, पीछे डीजे करके बहुत ही अभद्रता और सारी चीज़ें करना शुरू कर दिए और उसमें जो है किसी ने कुछ ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि इनके पास कुछ अवैध वेपन भी थे, तभी तक किसी के पास ऐसी सूचना मिली। उसके बाद ये निर्णय लिया गया और इन पर हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को डिस्पर्स कर दिया गया। अब हम इसमें कठोर धाराओं में मुकदमा लिख रहे हैं कि गैर परंपरागत तरीके से माहौल को ख़राब करने के लिए इस तरह का प्रयास किया गया है। अभी सारे जगहों पर शांति है, हमारी पुलिस जो है वो पेट्रोलिंग कर रही है और जो भी लोग इसमें हैं, जो लोग इस तरह का प्रयास किए, सारे लोगों के सीसीटीवी फुटेज और वीडियोज़ हमारे पास हैं, कैमरे लगे हुए हैं, चिन्हित करके सभी के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अरेस्टिंग हुई है कुछ लोगों की? नहीं, अभी एक दो लोग शायद डिटेन किए गए हैं, हम पहचान रहे हैं, पहचान में है क्योंकि हम लोगों के सामने की बात है, इसमें सारे लोगों की अरेस्टिंग की जाएगी और तगड़ी कठोर कार्रवाई की जाएगी। आगे सोमवार को ऐसी और कोई घटनाएं ना हो तो नहीं, क्लियर कट सीधा सा मैसेज है, फोर्स डिप्लॉय थी, लोगों को समझाया गया, ऑलरेडी पहले से फोर्स थी। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आपस में कोई लड़ाई झगड़ा ना होने पाए, लेकिन अगर कोई भी जबरदस्ती या गैर परंपरागत या जिद करने की कोशिश करेगा तो हम उसको कठोरता से निपटेंगे।